नमस्कार हिमाचल, तो मौजूद हुए हैं आपके सामने हिमाचल प्रदेश की दिन भर की ताजा खबरों के साथ। तो आइए शुरू करते हैं बिना समय गवाए हुए नॉनस्टॉप ताजा खबरों के सिलसिले को। हिमाचल में 25 फरवरी से फिर बिगड़ सकता है मौसम, बारिश बर्फबारी की संभावना। हिमाचल प्रदेश में 25 फरवरी से मौसम फिर बिगड़ सकता है। 23 व 24 फरवरी को सभी भागों में मौसम साफ रहने के आसार हैं। वहीं मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के अनुसार प्रदेश के मध्य व उच्च पर्वतीय कई भागों में 25 से 27 फरवरी तक बारिश बर्फबारी की संभावना है। 27 फरवरी को मध्य पर्वतीय कुछ क्षेत्रों में अंधड़ चलने का भी अलर्ट जारी हुआ है। मैदानी भागों में 26 व 27 फरवरी को बारिश की संभावना है। आज राजधानी शिमला व अन्य भागों में मौसम साफ बना रहा। विधायक राजेंद्र राणा के बेटे की शादी में शामिल हुए सीएम सुखू समेत कांग्रेस नेता छत्तीसगढ़ रवाना। राजस्थान में कांग्रेस विधायक राजेंद्र राणा के बेटे अभिषेक राणा के शादी समारोह में सीएम सुखविंदर सिंह सुखू समेत कई कांग्रेस नेता शामिल हुए। जानकारी के अनुसार चंडीगढ़ से कई नेता एक विशेष चार्टर्ड प्लेन से राजस्थान गए। हालांकि मुख्यमंत्री नई दिल्ली से ही राजस्थान गए, मंत्री विधायक और अन्य नेता भी वहां पहुंचे। यहां नेता पिछले कल अभिषेक राणा के विवाह में शामिल। इसके बाद 24 जनवरी से रायपुर में होने जा रहे सम्मेलन के लिए हिमाचल कांग्रेस के कई प्रमुख नेता रवाना हुए। इंटर यूनिवर्सिटी महिला पावर लिफ्टिंग प्रतियोगिता 9 मार्च से 1200 खिलाड़ी दिखाएंगी दमखम। हिमाचल प्रदेश केंद्रीय विश्वविद्यालय मार्च में इंटर यूनिवर्सिटी महिला पावर लिफ्टिंग प्रतियोगिता की मेजबानी करेगा। इसके लिए भारतीय विश्वविद्यालय संघ ने विश्वविद्यालय को प्रतियोगिता के करवाने की जिम्मेवारी सौंपी है। 9 मार्च से 12 मार्च तक चलने वाली इस प्रतियोगिता को लेकर विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर सतप्रकाश बंसल ने शाहपुर परिसर में खेल कमेटी की बैठक ली और तैयारियों से संबंधी जानकारी भी ली। इस मौके पर खेल कमेटी के सभी सदस्य मौजूद रहे। इसके अतिरिक्त सप्त सिंधु परिसर देहरा से खेल कमेटी के सदस्यों ने ऑनलाइन इस बैठक में भाग लिया। वहीं इस मौके पर खेल निदेशक प्रोफेसर सुमन शर्मा भी मौजूद रहे। इस अवसर पर विश्वविद्यालय के कुलपति ने कहा कि भारतीय विश्वविद्यालय संघ की ओर से इंटर यूनिवर्सिटी पावर लिफ्टिंग प्रतियोगिता की मेजबानी का मौका मिला है। उन्होंने कहा कि प्रतियोगिता इंडोर स्टेडियम धर्मशाला में होगी। पीएम को जनता की नहीं अडानी की फिक्र, नरेश चौहान बोले हिंडनबर्ग रिपोर्ट के बाद हाहाकार मोदी, फिर भी जेपीसी जांच को तैयार नहीं। अडानी ग्रुप को लेकर हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के बाद आज पूरी दुनिया में हाहाकार मचा है। देश की जनता बैंकों, LIC और दूसरे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में जमा नकदी को लेकर चिंतित है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फिर भी अडानी के कथित घोटाले की जांच कराने से बच रहे हैं। यह बात हिमाचल कांग्रेस मीडिया विभाग के प्रमुख नरेश चौहान ने आज शिमला में प्रेस कॉन्फ्रेंस में कही। वहीं नरेश चौहान ने हैरानी जताते हुए कहा कि मोदी सरकार सुप्रीम कोर्ट में भी अडानी ग्रुप को डिफेंड करने में लगी है। कोर्ट में बंद लिफाफे में रिपोर्ट सबमिट करके शेयर मार्केट का हवाला देकर मोदी सरकार जांच से बचना चाह रही है। कहा कि अडानी के कारण आज जिस प्रकार शेयर बाजार गिर रहा है, उससे देश की जनता की नींद उड़ गई है, क्योंकि अडानी की संपत्ति 19 लाख करोड़ से लगभग 7,50,000 करोड़ रह गई है। शिमला के माल रोड स्थित GPO में CBI की दबिश रिकॉर्ड कब्जे में लिया। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला के माल रोड स्थित जनरल पोस्ट ऑफिस GPO में CBI ने दबिश दी है। सूचना के अनुसार CBI की टीम ने दोपहर केस में GPO में छापा मारा। इससे कर्मचारियों व अधिकारियों में हड़कंप मच गया। सूचना के मुताबिक CBI की टीम GPO में दस्तावेजों की जांच कर रही है। इसे एक औचक निरीक्षक कहा जा सकता है। शादी समारोह घर लौट रहे व्यक्ति की घर में लैंटर से गिरने पर मौत। शादी समारोह से लौटकर घर पहुंचे व्यक्ति की लैंटर से गिरने पर मौत हो गई। मृतक की पहचान संदीप कुमार 34 वर्षीय पुत्र भक्तराम निवासी राजनगर के रूप में हुई है। वहीं सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम करवाने के बाद परिजनों के सुपुर्द कर दिया। जानकारी के मुताबिक संदीप कुमार शादी समारोह में शरीक होने के बाद पिछले कल देर रात घर पहुंचा था। इसके अतिरिक्त आपको बता दें कि अचानक घर के लैंटर से वो अनियंत्रित होकर नीचे गिर गया। लैंटर से कुछ गिरने की आवाज सुनकर परिजन मौके पर पहुंचे।
बेसुध हालत में परिजन उसे उठाकर मेडिकल कॉलेज चंबा ले आए। यहां पर तैनात चिकित्सक ने उसे मृत घोषित कर दिया। चिकित्सा अधीक्षक देवेंद्र कुमार ने बताया कि घायल अवस्था में लाए गए व्यक्ति ने मेडिकल कॉलेज चंबा पहुंचने से पहले ही दम तोड़ दिया था। अनिल कपिल को बनाया मुख्यमंत्री सुखू का सलाहकार, आधारभूत संरचना। हिमाचल प्रदेश सरकार ने शिमला के अनिल कपिल को मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुखू के सलाहकार आधारभूत संरचना नियुक्त किया है। कपिल हिमाचल प्रदेश बुनियादी ढांचा विकास बोर्ड को विभिन्न कार्यों के लिए भी सलाह देंगे। वहीं नियुक्ति संबंधी विस्तृत नियम और शर्तें अलग से अधिसूचित की जाएंगी। इस संबंध में मुख्य सचिव प्रबोध सक्सेना की ओर से आदेश जारी किए गए हैं। सुखू सरकार भी रिटायर्ड पर मेहरबान, HPPCB में 12 कर्मचारी रखने की तैयारी। 5 लाख बेरोजगारों को कैसे मिलेगा रोजगार, युवाओं में रोष। हिमाचल की सुखू सरकार भी पूर्व जयराम सरकार के नक्शे कदमों पर आगे बढ़ रही है। 5 साल में 5 लाख बेरोजगारों को नौकरी देने के वादे के साथ सत्ता में आई कांग्रेस सरकार भी रिटायर कर्मचारियों को फिर से नौकरी देने का ताना बाना बुन रही है। वहीं हिमाचल प्रदेश पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड HPPCB ने कुछ दिन पहले 12 पदों के लिए भर्ती का विज्ञापन निकाला है। इसमें आवेदन केवल रिटायर लोगों से मांगे गए हैं, यानी जो लोग 35 से 40 साल की नौकरी कर चुके हैं और मोटी पेंशन ले रहे हैं उन्हें फिर से नौकरी देने की तैयारी है। वहीं जो बच्चे सालों से नौकरी के लिए मेहनत कर रहे हैं उन्हें नौकरी के लायक नहीं समझा जा रहा है। जयराम ठाकुर बोले, कांग्रेस ने कांगड़ा के साथ किया भेदभाव, भाजपा और केंद्र सरकार ने दिया साथ। भाजपा के वरिष्ठ नेता एवं नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि जहां कांग्रेस पार्टी की सरकार कांगड़ा जैसे बड़े जिले के साथ भेदभाव करती है, वहीं भाजपा और केंद्र सरकार कांगड़ा जिले को विशेष दृष्टिकोण से देखती है। वहीं आज शिमला से जारी बयान में उन्होंने कहा कि हमारे लिए यह गर्व की बात है कि कांगड़ा के धर्मशाला में G20 बैठक होने जा रही है। G20 की अध्यक्षता इस बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत कर रहा है और यह निर्णय 1 दिसंबर 2022 को हुआ था। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि यही नहीं, चौथी आसियान इंडिया यूथ समिट की मेजबानी करने का मौका भी धर्मशाला को मिलने जा रहा है। दूसरी ओर पूर्व CM ने कहा कि केंद्र सरकार ने हमेशा हिमाचल के लिए सकारात्मक कार्य किया है। आज स्मार्ट सिटी के अंतर्गत हिमाचल प्रदेश को 98 करोड़ स्वीकृत किए गए हैं, जिसमें से शिमला और धर्मशाला को 49 करोड़ केंद्र सरकार की ओर से दिए गए हैं। इससे धर्मशाला और शिमला में रोड चौड़े करना और ब्रिज लिफ्ट रिटेनिंग वॉल और सौंदर्यीकरण के काम आगे बढ़ेंगे। सरकारी स्कूलों में वार्षिक समारोहों के आयोजन पर रोक, उच्च शिक्षा निदेशालय ने जारी किए निर्देश। हिमाचल प्रदेश सरकार ने राज्य के सरकारी स्कूलों के वार्षिक समारोह के आयोजन पर रोक लगा दी है। इस संबंध में उच्च शिक्षा निदेशालय की ओर से आज सभी जिला उपनिदेशकों को निर्देश दिए गए हैं कि उनके नियंत्रण में आने वाले सभी स्कूलों में तुरंत प्रभाव से वार्षिक समारोह के आयोजन पर रोक लगाई जाए। वहीं साथ ही इसकी रिपोर्ट 1 सप्ताह के भीतर निदेशालय को देने के निर्देश भी दिए गए हैं। तो ये है आज दिन भर के मुख्य समाचार। तो प्रदेश की ताजा खबरों को पाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय हिमाचल।